तो चलिए गाइस लेकर आ गए आपके लिए ब्लूटूथ स्पीकर। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये बहुत ही अलग दिखने वाला है। यहाँ पे कुछ फ्लेम टाइप का है, कुछ आपको एंटिक पीस टाइप का देखने को मिलेगा। हमने तो यहाँ पे कप वाले भी स्पीकर मंगा के रखे आपके लिए। बहुत यूनिक स्पीकर होने वाला है, साउंड क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो आपको हम बता देंगे। अब गाइस यहाँ प्राइस सेगमेंट अलग है, तो सभी का जो साउंड वगैरह ये अलग होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्पीकर खराब है या ये वाला अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने प्लेस पे काफी सही है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको साउंड एक्सपीरियंस कराऊंगा, बिल्ड क्वालिटी वगैरह दिखाऊंगा, इसके बाद बैटरी कितना चलती है, पोर्ट वगैरह क्या होने वाला है, सभी चीज आपको बताएंगे। जो पहला है, ऐसा नहीं कि पहला है, ये लास्ट भी हो सकता था, बट हमने इसे फर्स्ट में सिलेक्ट करके रखा है। ये क्लेवर करके आता है, जैसा आप देख सकते हो। ये जो ब्लू स्पीकर है ये आपको चार कलर में देखने को मिल जाएगा, एक ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है बॉक्स में, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर रखा गया है कुछ इस तरह से प्लास्टिक के बैग में। इसके बाद यहाँ पे और भी आपको केबल वगैरह देखने को मिल जाता है। एक हो गया यहाँ पे चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्स केबल दे दिया गया है जो कि थोड़ा सा कुछ इस तरह का है, जैसा आप देख सकते हो। इसे फिलहाल साइड में करते हैं। जो मेन है ये स्पीकर है, जैसा आप देख सकते हैं जो स्पीकर का कलर हमने ऑर्डर किया है ब्लैक कलर है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ये कॉपर का फीलिंग दे रहा है। और सामने की तरफ ये स्पीकर ग्रिल है, ऊपर की तरफ यहाँ पे सारा फंक्शन बटन है। और इस साइड से जैसे इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पोर्ट वगैरह है। एंड बैक साइड में दोनों साइड यहाँ पे स्पीकर की तरफ बनाया गया है, बट बजेगा इस साइड से जस्ट ऐसे ही सोपीस है। इसके बाद यहाँ पे बूफर है, जैसा आप देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा साउंड होने वाला है इस स्पीकर का। और जस्ट नीचे यहाँ पे रबराइज मटेरियल है, जिससे आप किसी सरफेस पर रखते हो तो ब्लूटूथ स्पीकर गिरेगा नहीं। अब बात करते हैं साइज का, साइज थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट स्पीकर आपके लिए लेकर नहीं आए। बिल्ड क्वालिटी वगैरह आप जैसा देख ही सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। मैट फिनिश में पूरा रबर है तो मैट फिनिश ही होगा। सामने की तरफ कॉपर का फीलिंग दे रहा है, यानी मेटल टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बट ये एक्चुअली प्लास्टिक ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डिजाइन का, तो जैसा आप देख सकते हैं अगर इसे आप टेबल वगैरह पर रखते हो, डेस्क पर रखते हो तो काफी यूनिक भी दिखेगा। तो गाइस ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये 10 वाट होने वाला है। और इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छा साउंड है गाइस। इसमें आपको बेस हो गया, ट्रैवल, वोकल वगैरह सभी तरह से क्लियर है। और 1000 में आई थिंक ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है बहुत ही अच्छा है, साउंड लेवल आपको बहुत ही अच्छा सुनाई देगा, लाउडनेस वगैरह भी काफी सही है। और बात करते हैं इसके बैटरी का, तो यहाँ पर जो ये स्पीकर है इसका बैटरी 6 घंटे तक ये आप चला सकते हो, अगर आप इसे 70% वॉल्यूम पे रखते हो तो। अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो बैटरी ऑब्वियसली सी बात है कम चलेगी। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इसे लगभग 3 घंटे तक चार्ज करना पड़ेगा। 3 घंटा चार्ज करो, 6 घंटे आराम से यूज करो, और बहुत ही अच्छा स्पीकर इसे आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो चलिए गाइस अब आते हैं सेकेंड ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर। तो ये यहाँ पे रखा गया, ये एक ग्रैमोफोन होने वाला है। जिसे पुराने समय में क्या होता था, एक ग्रैमोफोन रहता था, उसमें आप कैसेट लगाते थे, देन आप गाना वगैरह सुनते थे। ये नए जमाने का एक ग्रैमोफोन है, जैसा आप देख सकते हो। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएगा, एक पिंक है, ब्लू है, साइन है एक्चुअली, एंड इसके बाद एक व्हाइट कलर भी दिया गया है। तो ये आई थिंक व्हाइट कलर होने वाला है। तो इस तरह से सबसे पहले निकालना है, यहाँ पे रखा गया है ग्रैमोफोन। इसके बाद यहाँ पे यूजर मैनुअल है, एक ऑक्स केबल है, और इसके बाद आपको एक चार्जिंग केबल देखने मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी होने वाला है। तो गाइस ये जो ग्रैमोफोन है इसके सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन का बात करते हैं। तो जो बिल्ड क्वालिटी है ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। प्लास्टिक का यूज किया गया है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं कॉपर टाइप का ही है, और इससे वॉल्यूम वगैरह आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बैक साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह का डिजाइन है, फ्लैट डिजाइन है ये, और बहुत ही अच्छा दिखेगा डिजाइन। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मोस्ट ऑफ जो स्पीकर है वो डिजाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने टेबल वगैरह पर रखते हो या अपने बेडरूम में भी इसे रखते हो तो बहुत ही यूनिक एंड एंटिक टाइप आपको लगेगा। लेकिन ये पुराने जमाने का है, बट ये नए तरीकों से आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें आप मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी वगैरह से आप इसे कर सकते हो, ऑक्स केबल से भी आप गाने वगैरह इसमें बजा सकते हो। इसके बाद आप इसमें ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होगे। ये जो स्विच है यहाँ पे एक ब्लूटूथ है, एसडी कार्ड है, और यूएक्स मोड यहाँ पे दिया गया है। अब इसे ऑन करने के लिए आपको ये जो आप देख रहे हो प्लेयर, इसे
और ये जो आप कैसेट देख रहे हो ये भी राउंड होकर घूमेगा, तो ये काफी यूनिक सा दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बैक साइड इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है, तो यहाँ पर डिजाइन काफी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके साउंड का, तो यहाँ पर जो साउंड है ये आपको लाउड काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एक सही लाउडनेस है। और प्लस में जो बेस एंड ट्रैवल वगैरह ये काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। सिग्नेचर साउंड यहाँ पे मैं बोलूंगा, बेस काफी लाउड नहीं है लेकिन साउंड को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। इसके बाद बैटरी का बात हो तो बैटरी इसमें काफी कमाल का है, 3 घंटे आपको चार्ज करने हैं, 10 घंटे आप इसे बजा सकते हो, तो बैटरी वगैरह भी काफी सही है। अब ये जो आप देख रहे हो ग्रामोफोन, एक्चुअली ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका प्राइस 2500 का ही आता है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन यहाँ पे आपको 5 वाट स्पीकर हो गया, ब्लूटूथ वगैरह इसमें दिया गया है, एंटिक पीस दिखता है, तो अगर आप ये 100 पीस भी ऐसा लेते हो तो आपको 1000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह के 100 पीस में एक अच्छा खासा साउंड इसमें आपको देखने को मिल जाता है, तो 2500 थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप इस तरह के चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप ये ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अगला ब्लूटूथ स्पीकर है ये होने वाला है, थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा बट ये 5 वाट स्पीकर है, और ये जो गाइस आप थोड़ा सा बॉक्स देख रहे हो पुराना, एक्चुअली इसका न्यू अभी अवेलेबल नहीं था तो रिन्यूड मुझे ऑर्डर करना पड़ा है, लेकिन रिन्यूड भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मुझे प्रोवाइड किया गया है। आइए बॉक्स में से दिखाता है आपको क्या क्या देखने मिलता है। तो एक ब्लूटूथ स्पीकर है यहाँ पर रखा गया है, इसके बाद फीडबैक वगैरह के लिए है, इसे भी हमको हटाना है। इसके बाद यहाँ पे बॉक्स में और कुछ कुछ है, देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको देखने मिलता है। सेम ऑक्स केबल यहाँ पे दिया गया है, माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है चार्ज करने के लिए, और एक यूजर मैनुअल है। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये काफ़ी ज़्यादा वेट में ज़्यादा मुझे लग रहा है, या लिटरली अब बहुत ही सॉलिड ऐसा फील दे रहा है, मेटल का पूरा बॉडी है, सामने की तरफ कुछ इस तरह का डिजाइन है, बैक साइड में स्पीकर ग्रिल है, सामने की तरफ ब्रांडिंग है, और इस साइड ऑक्स केबल TFT और चार्जिंग के लिए इंटरफेस है, इसके बाद माइक वगैरह भी है तो इससे आप कॉल वगैरह भी कर सकते हो। ऐसे ये जितना भी आपको स्पीकर दिखाया हूँ इस सभी माइक आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, तो कॉल वगैरह के समय भी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो डिजाइन है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ऑन करते हैं सबसे पहले। आप ये जो देख रहे हो ये कलरफुल है और दिखने में काफ़ी अच्छा सा लगता है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें आपको अलग अलग टाइप के मोड मिल जाते हैं, जैसे आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो गाना सुनते समय आप चाहते हो गाने के बीट पे ही इसका ये LED इंडिकेट हो, तो ये भी आप कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ये जो बटन यहाँ पे देख रहे हो 4 बटन है, एक मोड का बटन है, एक ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल है, ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं है गाइस, आप चाहो तो LED बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, इसका नेक्स्ट प्रीवियस हो गया, वॉल्यूम को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बैक साइड में यहाँ पे ऑक्स केबल से भी आप इसे बजा सकते हो, इसका मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, एंड इसका चार्ज वगैरह करने के लिए माइक इनबिल्ट दिया ही गया है। इस साइड यहाँ पे दिया गया है आपको स्पीकर ग्रिल, जिसे अगर आप टेबल पे रखते हो कुछ इस तरह से तो नीचे से साउंड आता है, साउंड यहाँ पे 5 वाट स्पीकर है, और 5 वाट स्पीकर के हिसाब से यहाँ पे जो साउंड है काफ़ी अच्छा दिया गया है, लाउड काफ़ी ज़्यादा है और साउंड को बैलेंस भी किया गया है, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि 80-85% ही वॉल्यूम रहने दें, क्योंकि 100% में थोड़ा सा आवाज़ फटने लगता है, ऐसा मुझे फील हुआ है, लेकिन साउंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा है इसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन 80-85% आप सुनते हो गाने तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप सुन पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके बैटरी का, यहाँ पे आपको 2 घंटे से चार्ज करने हैं और लगभग आप इसे 4 घंटे तक ही यूज कर पाओगे। ये कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, इसके वजह से थोड़ा सा बैटरी इसमें कम आपको देखने को मिलेगा, बट डिजाइन वगैरह हो गया, साउंड सिग्नेचर हो गया, ये सब काफी अच्छा है, इसे आप ले सकते हो। तो चलिए गाइस अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर, तो ये होने वाला है कुछ इस तरह का, ये फ्लेम ब्लूटूथ स्पीकर होने वाला है, इसमें आपको 60 LEDs लगे हुए हैं और बहुत ही यूनिक लगता है। चलिए सबसे पहले बॉक्स में से निकालते हैं, बॉक्स हैंडल में यूजर मैनुअल है, ऑक्स केबल एंड चार्जिंग के लिए यहाँ पे दिया गया पिन केबल दिया गया जो कि माइक्रो यूएसबी केबल होने वाला है। चलिए आते हैं डायरेक्ट अब इसके बिल्ड क्वालिटी पे, तो बिल्ड क्वालिटी जैसा आप देख सकते हो ओवरऑल
प्लास्टिक थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, जितना भी अभी मैं आपको दिखाया हूँ इस समय से थोड़ा सा इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे चीप लग रहा है, बट ओवरऑल मतलब ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं है। इसके बाद डिज़ाइन का बात करूँ तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है, जैसे आप इसे टेबल पर रखते हो एंड इसके बाद आप क्या करते हो इसे ऑन करते हो, तो ये जो फ्लेम आप देख रहे हो यहाँ पे 60 LED बल्ब लगे हुए हैं और ये जो 60 LED बल्ब है ये आपको कुछ फ्लेम टाइप का फील कराएगा, ऐसे लग रहा है जैसे आग जल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे पावर ऑन करते हैं तो ये पावर ऑन हो गया, स्पीकर वगैरह नीचे दिया गया है और डिजाइन वगैरह तो काफी अच्छा मुझे लगा है। अब बात करते हैं इसके साउंड का, तो यहाँ पर गाइस जो इसका साउंड है ओवरऑल जो साउंड है काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, बेस वगैरह भी काफ़ी क्लियर है। 3 वाट स्पीकर इसमें दिया गया, अगर 5 वाट होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह की वजह से क्या है कि थोड़ा सा स्पीकर का पावर कम कर दिया गया है, लेकिन डिज़ाइन भी मैटर करता है। अगर आप ब्लू स्पीकर रखते हो कहीं पर तो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, साउंड भी अच्छा होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ओके, और इसके बाद बात करते हैं इसके बैटरी का, तो यहाँ पे आपको 2 घंटे से चार्ज करने पड़ेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे आप इसे बजा सकते हो 70-80% वॉल्यूम रख के, और यार सच में दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ यहाँ बटन वगैरह दिया गया है, फंक्शन बटन जैसा आप देख सकते हो, पावर ऑन ऑफ के लिए है, आप वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है ताकि आप लाइट को ऑन वगैरह कर सकते हैं। बैक साइड में यहाँ पे पोर्ट है जैसा आप देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और चार्जिंग इंटरफेस है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सबसे नीचे ये जो आप देख रहे हो ये रबराइज्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से आप सरफेस पर रखोगे तो स्पीकर वगैरह स्लिप नहीं होगा, गिरेगा नहीं। ओके, और स्पीकर ठीक यहाँ पे नीचे दिया गया है ताकि साउंड ऊपर की तरफ से फील हो कि आ रहा है, साउंड वगैरह ठीक है यार, मतलब अच्छा है। इसका जो प्राइस है 1150 में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये भी जो ब्लूटूथ स्पीकर है यहाँ पर जो ये भी स्पीकर है ये भी मुझे रिन्यूड लेना पड़ा है क्योंकि इसका भी अवेलेबल नहीं था और दिखने में काफी अच्छा लग रहा था, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप ये ले सकते हो। ओके, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये अपने आप में भी बहुत ही अच्छा है, मिनिमल सा डिजाइन है, ब्लूटूथ स्पीकर का जो साउंड है ये भी काफी अच्छा है और इसमें आपको बहुत ही अलग अलग चीज देखने को मिलता है। सबसे पहले बॉक्स में से निकालते हैं, बॉक्स कंटेंट में आपको देखने मिलता है एक चार्जिंग केबल और इसके बाद यहाँ पे वारंटी कार्ड है एंड इसके बाद एक यूजर मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें ऑक्स केबल आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्स के लिए कोई पोर्ट वगैरह नहीं दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल यहाँ प्लास्टिक का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है और डिजाइन गाइस जैसा आप देख ही सकते हो डिजाइन कितना मिनिमल सा है और कितना अच्छे तरीके से आप मतलब बहुत ही अच्छा फील देता है, गुड वाइब्स जो बोलते हैं ऐसा फील दे रहा है ये, और इसे आप किसी भी टेबल पर रखते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बेडरूम में भी आप रखोगे टेबल वगैरह पे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक बटन है जिसे आपको ऑन करना है, लाइटिंग हो गया ये ऑन, और इसके बाद ये म्यूजिक मोड हो गया। नीचे की तरफ यहाँ पे रबराइज मटेरियल है जिसे आप सरफेस पर रखोगे तो वही बात है कि गिरेगा नहीं, एंड डिजाइन वगैरह कुछ इस तरह से। चलिए अब आते से लाइट कंट्रोल आपको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले लाइटिंग में आ जाते हैं, तो गाइस चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसका लाइट आप किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे एक बार आप टच करते हो ऊपर के तरफ यहाँ पे तो ये अभी एक नॉर्मल सा यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको 3 लेवल लाइट देखने को मिलता है। सबसे पहले ये मिड हो गया जो कुछ इस तरह से है और इसके बाद ये हाई हो गया, ये सभी जो लाइट यहाँ पे 3 लेवल में है, ये वार्म लाइट है, व्हाइट लाइट नहीं है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, वार्म लाइट ज़्यादा अच्छा होता है आँख के लिए भी। इसके बाद इसमें आपको कलरफुल लाइट भी देखने को मिलता है जो कि 7 कलर यहाँ पे दिया गया है, 6 कलर एक्चुअली, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड, साइन, पर्पल एंड एक और कलर है जो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। थोड़ा देख लिया, आपको होल्ड करना पड़ता है यहाँ पे, देन आप टच करते जाओ और ये कलर चेंज होते जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेनबो कलर है जिसमें ऑटोमेटिक ये स्मूथ में सभी कलर यहाँ पे आता है और अच्छा दिखता है। एक मोड और दिया गया है, जब आप इसे म्यूजिक कंट्रोल करोगे यानी गाना इसमें बज रहा होगा तो सेम बीट पे इसका लाइट चेंज होगा, तो ये भी काफ़ी यूनिक दिखता है। अब इसके साउंड पे आते गाइस, तो जो इसका साउंड है 3 वाट स्पीकर है,
लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये 3 वाट स्पीकर है, आपको ऐसा फील होगा जैसे ये 5 वाट स्पीकर है। और साउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है, बेस ट्रैवल वोकल वगैरह सभी तरह से क्लियर है, एंड इसका लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, लाउड भी स्पीकर इसमें दिया गया है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, साउंड भी काफ़ी सही है। बैटरी यहाँ पे आपको लगभग 3 घंटे चार्ज करने पड़ेंगे, 6 घंटे तक आप इसका यूज कर सकते हो। यही लाइट वगैरह थोड़ा यूज करोगे तो बैटरी कम चलेगी, लेकिन दिखने में जो अच्छा लगेगा वो तो एक अलग ही लेवल का लग रहा है गाइस, और साउंड वगैरह भी काफ़ी सही है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं ये जो आप देख रहे हो लाइट इसका प्राइस कितना है। तो 1500 रुपये का ये आता है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्वालिटी इस तरह का दिया गया है तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। चलिए गाइस अब आते हैं लास्ट यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर। तो जो लास्ट ब्लूटूथ स्पीकर है ये होने वाला है, जो आपको बहुत ही गंदा देखने को मिल रहा होगा डब्बा, ओके कोई नहीं डब्बा गंदा है लेकिन अंदर का जो सामान है ये अच्छा होना चाहिए। तो बॉक्स में से निकालते हैं ब्लूटूथ स्पीकर। अब यहाँ पे एक चार्जिंग केबल दिया गया है जो कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो। एक्चुअली यार अच्छा लग रहा है यार, पतला सा डिजाइन है लेकिन काफ़ी अच्छा है। अब ये जो कप है यार इतना पुराना क्यों दिख रहा है मुझे, यार पुराना बेच दिया क्या, यूज किया होगा। तो गाइस ये जो कप है ये आपको ऐसा लग रहा होगा चाय पीने वाला या कॉफी पीने वाला कप है, बट ऐसा नहीं है, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है। सामने की तरफ यहाँ पे ग्रिल बनाया गया है, बैक साइड में एक पावर बटन है जिसके हेल्प से आप इसे ऑन कर सकते हो, एंड इसके बाद कुछ इस तरह का ये कप हो जाता है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है सॉलिड आपको लगेगा, बट थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता था। इसके बाद यहाँ पोर्ट वगैरह का बात करते हैं, एक इंडिकेटर लाइट है, डीसी इन यानी कि यहाँ पे चार्जिंग इंटरफेस है, इसके बाद माइक भी दिया गया है यानी कॉल वगैरह पर आप बात कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे रबराइज मटेरियल इसमें भी यूज किया गया है तो सरफेस पर से गिरेगा नहीं। तो ओवरऑल यहाँ बिल्ड एंड डिजाइन ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है। ओके चलिए गाइस अब बात करते हैं इस कप के साउंड क्वालिटी का। तो यहाँ पे आपको 3 वाट स्पीकर देखने को मिलता है जिसमें आपको ट्रैवल वोकल बेस एंड लाउडनेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, मतलब 3 वाट के हिसाब से काफ़ी सही दिया गया है। यहाँ बैटरी का बात करूँ तो 2 घंटे आपको चार्ज करने हैं, लगभग 4 से 5 घंटे आप इसका यूज कर सकते हो। छोटा तो है, काफ़ी अच्छा है, मतलब साउंड वगैरह भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही हद तक दे दिया गया है, लेकिन जो प्राइस है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे डिसपॉइंटेड लगा है। जो इसका प्राइस है गाइस 1200 रुपये का ही आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ये अगर 300 to 500 के बीच में होता तो आप इसे ले सकते थे, बट अगर इतना महंगा है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आई होप गाइस यहाँ पर जितना भी आपको ब्लूटूथ स्पीकर बताया हूँ ये कहीं ना कहीं अपने जगह पर बहुत ही अच्छा है। जैसे इसके इसको तो मैं हटाकर ही बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर 5 मैं आपको ब्लूटूथ स्पीकर बताया हूँ ये सभी यूनिक है अपने अपने डिजाइन के हिसाब से। जैसा आप देख सकते हो ये हो गया, या चाहे ये आप एंटिक पीस देख लो या ये फ्लेम एलईडी लाइट वाला स्पीकर देख लो, ये सब काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बैटरी लाइफ भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो ये सब स्पीकर आप ले सकते हो, सभी स्पीकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा वहां से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड में कोई क्वेश्चन है इस ब्लूटूथ स्पीकर के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछे, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो मेंशन स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।